ओम शांति। दस आठ 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है, इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया जीते जी। हम इस संसार से अपने मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं ना, इस शरीर में रहते हुए भी, इस शरीर को शरीर ना समझते हुए हम क्या समझते हैं, खुद को एक आत्मा समझते हैं। आत्मा समझ फिर हम अपना इस संगम युग पे परमात्मा की गोद का अनुभव करते हुए निराकार परमात्मा और हम आत्मा विचित्र बाप को याद करती हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न है मुरली का, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आंच पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है, यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति, यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। सॉरी, दुनिया कायम है। बाबा कहते हैं इस तरह से कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। बाकी तो इस दुनिया में सब कुछ झूठा है, एक नाम राम का सत्य है, परमात्मा का। बाबा कहते हैं माला भी राम राम की है, सिमरते हैं, यह राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्र माला, राम माला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं, जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, बाप कौन कहता है, आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, ऐसे तो नहीं कि पहले कर्म होता है फिर संकल्प आएगा, नहीं ना, पहले बात बुद्धि में आती है ना। तो पहले संकल्प आता है फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर, हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है, तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा।
बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखरीन भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते, पर मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है, और कहाँ रहेगा? बाबा कहते हैं बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इनमें इसमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ कहना, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुली पहनाते हैं। तो बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े ही आएगा। यह रस्म भारत में ही है। बाबा कहते हैं जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बात है। बाबा कहते जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए, तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है? यह समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया है वह सब यहाँ है। इसी दुनिया में वापस जन्म ले लेते हैं, चाहे पर वो मीरा हो, साईं हो, जो भी है, चाहे वो फिर कोई भी हो इस संसार में, महात्मा गांधी हो या किसी भी तरह की कोई संत आत्मा हो, वो शरीर छूटने के बाद दोबारा आत्मा इसी दुनिया में आती। तो बाबा कहते हैं फिर गुरु नानक आत्मा, उसकी आत्मा को भोग लगाया, वह कहाँ है यह समझ नहीं सकते। तो बाबा हम बच्चों से कहते कि तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ ही है। तो बाबा कहते जैसे बाबा कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल है, बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबर वार उन्हों की संख्या आती है, पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं, सबको पावन बनाने वाला वह एक। बाबा कहते हैं कि बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक वही है परमात्मा, पतित पावन एवर प्योर रहने वाला ही तो प्योर बनाएगा। ये तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़जड़ी भूत है, बनन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, बाबा कहते उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं, यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करें ना,
बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई, तुम जानते हो। अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्रायः लोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे थे ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ गया पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी? कब्र दाखिल दुनिया होनी है तो कितनी राख मिलेगी? बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी, क्योंकि वो हद का सन्यास करें या जैसे भी सन्यास करें, लेकिन उनने जो भी अपना किया है तो बाबा कहते उनका क्या होगा सन्यास करने की वजह से। सबसे उत्तम है सन्यासी, उनकी राख। तो अभी तो कितने मरेगी, कितनी खाद मिलेगी? तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी? सत्युग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म बतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म बतन में बैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं, बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभी रस पी कर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते हैं। अब सूक्ष्म बतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहते हैं हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। यह तो पहले गौशाला बनती थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए, टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे। अब शिव बाबा का ही जो सुप्रीम सोल गॉड फादर का सोल का चित्र बना हुआ है, आप किसी को देंगे तो वो तो अपने अपने तरीके से देखेंगे। किसी को उसमें एक ड्राइंग दिखाई देगी, किसी में उसको कुछ पोस्टर दिखाई देगा, किसी में उनको कुछ कलरफुल एक फ्लावर दिखाई देगा, किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं अब आप सृष्टि का झाड़ किसी को चक्र दे देंगे, चक्र का चित्र दे देंगे, आप तीन लोगों का जो बाबा ने दिखाया है कि कैसे सूक्ष्म बतन कैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे हम आते हैं तो नीचे पृथ्वी दिखाते, तो उस चित्र को देख करके कैसे समझेंगे कि पहले फ्लोर में क्या है, सेकेंड फ्लोर में क्या है, थर्ड फ्लोर में क्या है। देख के तो वो अपना अपना नजरिया से देखेंगे, अपनी अपनी समझ से समझेंगे।
बहुत सारे सिर्फ ये देखेंगे कि शंकर को समझ जाएंगे, बाकी जो बाबा का बना हुआ है उल्टा कल्प वृक्ष और पूरी आत्माओं का जो दिखाया हुआ है ऊपर में, वो तो दिखे समझ में नहीं आएगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ लिटरेचर देंगे तो वो फाड़ कर फेंक देंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। बाबा कहते हैं जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता की यह करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठी मीठी सीकी लाधे बच्चे, 5000 वर्ष पहले कल्प पहले जो बिछड़े बच्चे हैं उनको बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे। कितने ढेर सिकी लधे बच्चे हैं, देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं लाडले सिकी लधे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सावरंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चढ़ना है, मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाबा कहते हैं बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं, बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं, पांव में जो गिरे हुए हैं उन्होंने माथे पर चढ़ाते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं बच्चे मेरे पैर नहीं है, जो तुम भक्ति में चरणों की धूल मांगा करते हो, अरे तुम चरणों की धूल नहीं हो, तुम बच्चे मेरे सर का ताज बच्चे हो, तुम्हारे बच्चे बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो हा? और बाबा कहते हैं तुम मेरे सर के ताज बच्चे हो, मेरे लाडले बच्चे हो, नूरे रत्न बच्चे हो, तुम मेरे हीरा बच्चे हो, तुम राजा बच्चे हो, है ना। और ब्रह्मा बाबा को मुरब्बी बच्चा कहते हैं, है ना। तो मीठा मीठा बाबा कितने सारे नाम से हमें पुकारते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं, पांव में जो गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं, वाह बाबा वाह वाह, रे मेरा भाग्य वाह। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते है ना कि कितने नंबर में पास होंगे, बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बन, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है, कितने मजे की बातें हैं। तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। पागल कहेंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे, है ना। जो समझ पाएंगे, जो बिरादरी के हैं, जो बाबा के सौतेले बच्चे हैं, सौतेले और बाबा ने मातेले दो तरह के बाबा ने कहा है, तो बाबा कहते हैं मातेले रहेंगे तो, लेकिन वो नंबर वन नहीं आएंगे। तो इस तरह से बाबा ने सौतेले और मातेले कहा है, तो मातेले बाबा के सगे बच्चे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम ही यह सब समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाए कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ,
वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, हर एक आत्मा में परमात्मा का अंश है ऐसे कह देते हैं। अरे वो परम पिता परमात्मा, हम आत्मा उनके अंश बच्चे ने उन बाप समान है, लेकिन हम बाप नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के बच्चे मास्टर भगवान हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सर्वव्यापी हैं ऐसा कहते हैं, फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में बा मेरे में कैसे हो सकता है, बाप से तो वर्षा लिया जाता है। तो पहले पहले अल्फ पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे सिकीला दे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ना सके। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकीले दे बच्चे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा मात पिता को फॉलो कर अपने कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरा, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। आवाज तो हमने खूब किया भक्ति में, अब ज्ञान में आवाज नहीं करना है ना, सिर्फ धुन में रहना है, जैसे आप किसी आशिक की धुन में रहते हो। हा? वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मान धारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मान धारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो, और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमान धारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। यदि आप स्व के मान में रहेंगे तो आपके पीछे मान जरूर लगा रहेगा, यदि आप दूसरों से मान लेने के लिए चेष्टा में रहेंगे तो कभी आपको मान नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्तोकन है हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।